ये ले तुम्हारे पैसे और जल्दी जाओ यहाँ से। लव, लव, ये कौन है? स्वरा, ये मेरी कार साफ करने वाली है। एक्चुअली इसका महीना पूरा हो गया था ना, तो पैसे लेने आई थी। अच्छा। अब तुम तो सो रही थी, अचानक कैसे उठकर आ गई? इसके रोने की आवाज ही नहीं आई, इतनी देर हो गई थी तो मैं खुद ही उठ गई। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे रोएगा, मेरे पास है ये। तुम जाओ। जल्दी अंदर आओ। दीदी तो नहीं है घर पे? अरे कोई भी नहीं है घर पे, तुम अंदर आओ। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये रोज मेरे पीठ पीछे इसको क्यों बुलाते हैं? आज तो मैं पता करके रहूंगी कि ये दोनों करते क्या हैं। जल्दी करो ना। बस कर रही हूँ साहब। अरे यार क्या हुआ साहब, आज तो दीदी भी घर पर नहीं है, फिर आपको किस बात की जल्दी है? दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये लड़की तो वही है ना लव, जो कल गेट पर आई थी। तुमने तो बोला था कि ये कार साफ करती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा इसके पास क्या कर रहा है? अच्छा मुझे अब समझ में आया कि कल तुम इसे पैसे क्यों दे रहे थे। तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना इसके साथ? शर्म आनी चाहिए एक नौकरानी के साथ चक्कर चलाते हुए। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी लव, जो तुम्हें इसके पास जाना पड़ा, एक नौकरानी के पास। अरे मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे के बारे में सोच लेते, लेकिन नहीं, मुझे ना शर्म आती तुम्हें अपना हस्बैंड कहते हुए। सोरा मेरी बात तो सुनो तुम। क्या बात सुनू मैं तुम्हारी, सब कुछ सुन चुकी हूँ वहां पे खड़ी होकर। और तू कैसी हो रहता है? तू अमीर आदमी को फंसाना आता है बस। सोरा बस करो, क्या बकवास कर रही हो ये? और सच बताऊं, तुम्हें सच का पता ही नहीं है कि सच क्या है। अच्छा ऐसा भी क्या सच है तो तुम्हें इसके साथ चक्कर चलाना पड़ रहा है? मेरे को भी जानना है, बताओ। सोरा सच ये कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा इसका है। लव तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सोरा, उस दिन डिलीवरी वाले दिन रात को मेरा बच्चा मर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। उसी दिन ये अपना बच्चा अनाथालय में छोड़ने के लिए जा रही थी, तो मैं इसको मिल गया। मैंने इससे बोला कि प्लीज़ ये बच्चा मुझे दे दो, तो इसने ये बच्चा मुझे दे दिया। और इस बच्चे को एक माँ मिल गई और उनको एक बच्चा। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं सुनाया लव, तुम्हारे करेक्टर पे उंगली उठाई, तुमने मेरी खुशी के लिए मुझे माँ बनाया, और मैंने तुम्हें कितना सुना दिया, मुझे माफ कर दो। और तुम्हें भी मैंने क्या कुछ नहीं सुनाया, तुम भी मुझे माफ कर दो। अब से ना इस बच्चे की एक नहीं बल्कि दो दो माँ होंगी। तुम्हारा जब मन करे तब तुम इस घर में आ सकती हो, ऐसे छुप छुप के आने की कोई जरूरत नहीं है। अब से ये घर भी तुम्हारा है, आओगी ना? हाँ दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं एक माँ बन पाई हूँ।